वो स्टूडेंट जो प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, और अगर अनफॉर्चुनेटली वो मेडिकल के अंदर अपनी जो भी उनकी क्वालिफिकेशन जिसको वो परसू कर रहे थे वो नहीं कर सके, तो फिर वो सोच रहे होते हैं कि अब हम क्या करें। ये बच्चे जो होते हैं ना बड़े मेहनती बच्चे होते हैं, इन्होंने FSC के अंदर भी अच्छे मार्क्स हासिल किए होते हैं, MD कैट के अंदर भी इनके मार्क्स अच्छे होते हैं, लेकिन ये मार्जिनली रह जाते हैं, यानी कि थोड़े से फर्क से रह जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को लगता है कि यार जैसे वो जिंदगी जिस काम के लिए जीना शुरू की थी वो तो काम ही जो है ना वो अब नहीं हुआ। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वो हमें इसी तरह के बच्चे चाहिए, हमें ऐसे बच्चे चाहिए जिनकी मेहनत करने की आदत है। आप यकीन माने यही बच्चे इधर आके मेहनत करते हैं और कामयाब होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA जो है ये मैथ नहीं है। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चे मेडिकल के बैकग्राउंड से आते हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उनके रिजल्ट ज्यादा बेहतर है बाकी लोगों से की नस्बत। जो बच्चे इवन प्री इंजीनियरिंग से आते हैं या इवन जो बच्चे कॉमर्स पढ़ के आते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि वो इनिशियली छोटे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा समझ लेते हैं और उनकी जो वहां पे अकाउंटिंग है उनको वहां पे जो कॉमर्स या जो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है वो बड़ी थोड़ी सी होती है, वो इतनी थोड़ी सी होती है कि CA के अंदर वो सारी चीजें एक हफ्ते में करा दी जाती है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसका जो सिलेबस है वो पिछले 25-30 साल से जो है वो रिवाइज नहीं हुआ। मैंने जब एंटर किया था तो उस वक्त मैंने मिस्टर चिप्स पढ़ा था, मेरा ख्याल है अब भी अब लोगों को मिस्टर चिप्स पढ़ाया जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मिस्टर चिप्स की स्टोरी ठीक नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमने एजुकेशन सिस्टम को समझा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। भाई उस जमाने में तो लोगों के पास मोबाइल भी नहीं होते थे, ठीक है, मैंने मोबाइल लिया था FSC करने के अपना मैट्रिक करने के बाद, और उस वक्त मेरी क्लास में किसी के पास नहीं होता था, मैं बहुत दूर जाया करता था पढ़ने, तो मेरे घर वालों ने कहा कि यार तुम जो है ना वो गुम जाओगे तो तुम मोबाइल ले लो, ठीक है जी, तो वो मोबाइल इस वजह से लिया था। तो अब हर बच्चे के पास वो बोलने से पहले मोबाइल को स्क्रोल करना सीखता है, तो ऐसे लोगों को भी जब ये भी बड़े होके वहां पे पहुंचेंगे उस एज में पहुंचेंगे तो उनको भी मिस्टर चिप्स ही पढ़ाया जाएगा। ये प्रॉब्लम है, हम लोग अपने सेटअप का एजुकेशन सिस्टम को बेहतर नहीं कर सके, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं होता। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हर 3 या 4 साल के बाद नई एजुकेशन स्कीम आती है, उसमें सिलेबसेस रिवाइज होते हैं। 2013 में एजुकेशन स्कीम आई, 2021 में एजुकेशन स्कीम आई जो कि लेट लेट हो गई क्योंकि कोविड आ गया था 2018 में, वरना वो 2018-19 में आनी थी। अब 2025 में एजुकेशन स्कीम जो है वो हम रिवाइज करें। एजुकेशन स्कीम का ये मतलब नहीं कि सारा कुछ चेंज हो जाएगा, सारे सिलेबसेस को रीडिफाइन किया जाएगा ताकि उसमें जो नई चेंजेस आई हैं वो उसमें इंकॉर्पोरेट हो सके, आपको नई अपडेट्स पढ़ाई जाए, आपको पुरानी चीजें ना पढ़ाई जाए। सो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो बैकग्राउंड है या जो बच्चे मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंट्री रूट ईजी है, कोई लिमिट नहीं है, ये बात पहले भी हमने डिस्कस किया है कि आप अगर करना चाहते हैं तो आप आए, ठीक है, टैलेंट की कदर है और हर किसी के को इक्वल मौके मिलेंगे, आप आर्टिकल्स करेंगे। इवन मैंने देखा है कि जो बच्चे मेडिकल के बैकग्राउंड से आते हैं वो बहुत जल्दी अपना सफर जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं और विद इन नो टाइम वो बच्चे जो है ना वो अपना पास कर सकते हैं। एक और चीज जो है वो बड़ी जरूरी है वो ये है अंडरस्टैंड करना कि नियर पियर के ऊपर जो हमारे लेक्चर्स हैं वो हमने पढ़ाए ही इस परस्पेक्टिव से हैं कि हमने बच्चे की पुरानी नॉलेज को साइड पर रख दिया। अब बच्चा मेडिकल के बैकग्राउंड से आए, इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आए, आईकॉम ICS के बैकग्राउंड से आए, किसी भी बैकग्राउंड से आए, उसने मास्टर्स किया हो जो मर्जी किया हो, उसको जो हमारे लेक्चर्स है ना वो हर चीज बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे। तो जो बच्चों का जो आईकॉम वगैरह ICS वगैरह से जो बच्चे आते हैं उनका जो एडवांटेज है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर या ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 हफ्तों में खत्म हो जाता है, सारे लोग बराबर आ जाते हैं। फिर यहाँ से ऊपर वो जाएगा जिसने मेहनत की है, यहाँ से ऊपर वो जाएगा जिसने फोकस किया है, यहाँ से ऊपर वो जाएगा जो हार्ड वर्किंग है, ठीक है ना जी। तो नियर पियर की एजुकेशन के अंदर हम लोगों ने ये चीज डाली है कि हमने ऐसे नहीं करा कि अच्छा हाँ ठीक है आपने ICS में पढ़ा था, नहीं भाई ऐसा नहीं है, हमने हर चीज बिल्कुल जीरो से पढ़ाई है, ठीक है। नियर पियर के ऊपर PRC के अंदर जो सिलेबसेस है उसमें मैं इस वजह से इस हवाले से इतनी जोर से या इतने पुरजोर तरीके से कह सकता हूँ क्योंकि वहां पे मैंने भी 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं PRC के ऊपर। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि ये जो चीज है ये हमने बनाई ही इसलिए कि MD कैट के बच्चों को फोकस किया जा सके या हर तरह के बच्चे को जिसने पहले कुछ नहीं पढ़ा उसको फोकस किया जा सके। एक और चीज समझ लीजिएगा कि ये CA जो है ये मैथ नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपने मैथ जिस वजह से आपने छोड़ दी। कुछ लोग होते हैं जिनको मैथ बहुत ही बुरा लगता है, मैं बस उनके जहन से ये बात निकालता हूँ कि यार मैथ आपको बुरा लगता है तो टेंशन ना लें, ये मैथ है ही नहीं, ये CA के अंदर जो है वो अमाउंट्स का जिक्र है। देखिए पैसे जो है अमाउंट्स वो बढ़ सकती हैं या कम हो सकती हैं, ठीक है, चलो फॉर दैट मैटर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं हम, उससे ज्यादा मैथ का कोई काम नहीं है CA के अंदर। हमने उसकी इंटीग्रेशन नहीं करनी, हमने उसकी डेरिवेशन नहीं करनी, हमने उसमें थीरम्स नहीं लेने, हमने उसमें जो है वो कॉस थीटा साइन थीटा कुछ नहीं करना। सो नो प्रॉब्लम, मैथ अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, मैथ की जरूरत ही नहीं है, CA मैथ नहीं है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है ये फाइनेंस और पैसों से डील करती है।
तो ये चीजें तो मैंने जी आपको बता दी। आपने कहा सर आप तो प्रेजेंट करने आए हैं, आप तो यही कहेंगे। हम लोगों ने मैंने एक एक्टिविटी की कुछ देर पहले, इसी तरह के एक सेशन की मैं प्लानिंग कर रहा था, तो मैंने एक गूगल फॉर्म बना के अपने सीए फाइनल के बच्चों को उसके साथ शेयर किया, क्योंकि मैं एक सीए फाइनल के जो हमारे बच्चे हैं उनसे मैंने मैसेज करके पूछा कि भाई आप बताओ कि आपने सीए के अंदर, अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो तो मुझे बताओ कि सीए के अंदर आके आपको क्या लगा, क्या आपका सीए का डिसाइड करने का जो सीए चूज करने का जो डिसीजन था वो ठीक था कि नहीं था। तो बच्चों ने कुछ इस तरह से आंसर किया। हम लोगों ने कहा कि जी अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से आए हैं तो इसमें से कौन से एरिया में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत पेश आई। अब ये वो बच्चे नहीं है जो शुरू शुरू में बैठे हुए, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पीआरसी पास कर लिया, जिन्होंने कैफ पास कर लिया, जो सीफैब के पेपर्स दे रहे हैं और आर्टिकल्स लेवल पे बैठे हुए हैं। उन बच्चों से हमने ये क्वेश्चन पूछा कि बताएं आपको सबसे ज्यादा मुश्किल किस चीज में आई। बच्चों ने कहा जी बिजनेस लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है जी, अलाइड सब्जेक्ट्स, ऑडिटिंग, यानी कि वो सब्जेक्ट्स जो के उनको मुश्किल लग रहे थे वो उन्होंने टिक किए, ठीक है। लेकिन आप देखें कि बहुत सारे बच्चों ने, तकरीबन 40% स्टूडेंट्स ने कहा कि ऑल दीज सब्जेक्ट्स वर प्रॉपरली टॉट और हमें ये बिल्कुल मुश्किल नहीं लगे, ठीक है। अच्छा एक और सवाल पूछते हैं, हमने बच्चों से पूछा कि कमिंग फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड हाउ मच डिफिकल्ट वॉज इट फॉर यू टू फेमिलराइज विद सीए। तो उन्होंने कहा कि जी ईजी है, 22% लोगों ने कहा कि हमें सीए में कोई दिक्कत पेश नहीं आई, 54% लोगों ने कहा कि जी बिल्कुल हमें मॉडरेटली डिफिकल्ट लगा लेकिन हमने कवर अप कर लिया। कुछ लोग ऐसे थे जिनको हार्ड लगा तो क्या वो छोड़ के चले गए, नहीं, वो अभी भी वो इस वक्त सीफैप में बैठे हुए। तो डेफिनेटली कुछ लोगों को ये चीज़ डिफिकल्ट लग सकती है लेकिन वो भी इसमें को पास हो गए, लेकिन उन्होंने ठीक बताया। मैंने बच्चों को ये कहा था कि भाई आपका ये जो फीडबैक है इसके ऊपर किसी बच्चे की पूरी जिंदगी डिपेंड कर सकती है, तो आपने इसमें गलत नहीं करना, ठीक है जी। वो पेपर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पीआरसी के पास हुए, उस वक्त एएफसी होता था तो एएफसी लिखा हुआ है, पीआरसी के वो पेपर जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए हैं, तो उसने कहा जी सारे पेपर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए। और अदर्स है सिर्फ 26% लोग जिनको किसी पेपर में कुछ पास करने में दिक्कत हुई। क्यूएम का जो पेपर है, मैथ का पेपर, उस वाले से मैंने उनसे पूछा तो हमें 78% लोगों ने कहा कि उन्होंने पहली दफा में ही मैथ का पेपर पास कर लिया। नहीं जी, जो मैं बात कर रहा था कि बच्चों को मैथ का पेपर जो है वो मुश्किल लगेगा तो बाकी और आसान होगा, तो 78% लोगों ने कहा कि हमने पहली ही अटेम्प्ट में मैथ का पेपर पास कर लिया। और 21% लोगों ने कहा कि वो जो क्यूएम है, फाइनेंशियल मैथ्स वगैरह जिसमें होता है वो, उन्होंने 21% लोगों ने कहा कि हमने दूसरी अटेम्प्ट में पास किया। तो ये थोड़े लोग नहीं थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया। अच्छा ये जरा सवाल सुनिएगा, मैंने बच्चों से पूछा हाउ स्ट्रांगली डू यू थिंक दैट सीए इज ए गुड अल्टरनेटिव फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अनफॉर्चुनेटली अनएबल टू स्टार्ट मेडिकल कैरियर इन कैरियर इन मेडिकल फील्ड, ठीक है जी। तो उन लोगों में से 68% लोगों ने कहा कि जनाब ये जो है ये बेस्ट चॉइस है। अगर आप 61% लोगों ने कहा कि अगर आप मेडिकल में नहीं जा सके तो आपको सीए में आ जाना चाहिए, ये बेस्ट चॉइस है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो सीए में आगे तक पहुंच गए हैं, वो नहीं जो छोड़ गए थे, ये सीए वो लोग हैं जो सीए में आगे तक पहुंच गए। ये कौन लोग हैं? जो जिन्होंने मेडिकल बैकग्राउंड से जो आए थे, आम लोगों से नहीं पूछा, वो लोग जो आपकी तरह मेडिकल बैकग्राउंड से थे और उन्होंने सीए का डिसाइड कर लिया था, उनसे पूछा तो उनमें से 61% लोगों ने तो ये कहा कि ये जो है ये गुड चॉइस है। 27% लोगों ने ये कहा कि ये अप्रोप्रिएट चॉइस है, मतलब दिस इज अ गुड, दिस इज इक्वली गुड चॉइस, ये अप्रोप्रिएट है, अगर मेडिकल नहीं हुआ तो इधर आ जाए। 12% लोगों ने कहा कि नहीं जी इसमें नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, हर तरह के लोग होते हैं, तो आपको इसीलिए तो ये क्वेश्चन है, इसीलिए तो आपके जहन में ये सवाल है कि यार ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखें कि जो बहुत ज्यादा मेजोरिटी है, 88% लोगों ने ये कहा कि सीए जो है वो एक अच्छी चॉइस है, आप इसमें आए और इससे आपको नुकसान नहीं होगा। अगला सवाल, हाउ मच यू एग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टूडेंट फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड हैज शोन बेटर रिजल्ट्स एज कम्पेयर टू स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग सीए फ्रॉम एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस और बीकॉम। यानी कि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई बच्चे मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं तो अच्छा परफॉर्म करते हैं? तो जो है वो एग्री किया 37% लोगों ने, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ज्यादा अच्छा रिजल्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी। इनडिफरेंट का मतलब ये है, सॉरी एग्री किया 49% लोगों ने, हाफ लोगों ने तकरीबन एग्री किया कि सीए जो है वो उसमें बच्चे आके अच्छा परफॉर्म करते हैं। 37% लोगों ने कहा यार इसका कोई ताल्लुक नहीं है, 14% लोगों ने डिसएग्री किया, ठीक है, डिसएग्रीमेंट भी आपको बता रहे हैं। अब मजे की बात जो है वो ये कमेंट्स है जो हमने लोगों से लिए, बड़े मजे मजे के कमेंट्स लोगों ने दिए। मैंने कहा जी व्हाट सजेशन विल यू गिव टू योर जूनियर मेडिकल स्टूडेंट्स हु वांट्स टू ज्वाइन सीए, प्लीज बी सीरियस एंड कंसिडरेट टू द करंट सिचुएशन ऑफ दीज स्टूडेंट्स एंड ट्राई टू गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन, वट एवर यू वॉन्ट टू से प्लीज से, अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं आप जरूर कहें। यानी कि उन लोगों से हमने पूछा कि आप ये बताएं कि क्या मेडिकल के बच्चों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए।
एक बच्चे ने कहा आई वुड लाइक टू टेल यू कमर्स फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड, सी ए हैज नथिंग टू डू विद मेडिकल एंड इंजीनियरिंग, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ सी ए हैज इट्स ओन नॉलेज। ठीक है जी, उसने कहा कि जी सी ए का उससे कोई ताल्लुक नहीं है आपके मेडिकल से या इससे, तो टेंशन ही ले रही। उसने कहा स्टे हंग्री मूव ऑन, सी ए इज मोर इंटरेस्टिंग देन मेडिकल, आई हैव बीन गॉन थ्रू फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, इवन आई फाइंड इट मोर इजी। ले जी, बच्चे ने कहा कि ये इजी लगा मुझे। आई थिंक इट्स जस्ट ए फिक्शन ऑफ द सो मेनी स्टूडेंट्स दैट द सी ए इज वेरी डिफिकल्ट। उसने कहा ये झूठी बात है कि बच्चे जो है ना वो कहते हैं कि जी सी ए जो है वो डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड एंड इम्पॉसिबल टू पास इन वन अटेम्प्ट। फिर उन्होंने भी वही बात की जो मैं कहता हूँ, रुकने वाले तो फिर इंटर में 4 साल लगा देते हैं, तो क्या इस डर से तुम मैट्रिक के बाद इंटर में भी नहीं जाओगे? हाँ जी बताएं जी, आप लोग बताएंगे, मैं तो नहीं बताऊंगा। आफ्टर ज्वाइनिंग सी ए आई रियलाइज दैट आई वॉज चूजन ए रॉन्ग फील्ड अर्लियर। ठीक है, ये नहीं, बिल्कुल ये पेड कमेंट्स नहीं है। उस बच्चे ने कहा कि सीए ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि मैंने पहले गलत फील्ड चूज की थी, और आगे उसने ब्रैकेट में लिखा भी है कि मेडिकल। बच्चे ने कहा ओके फ्रॉम माई माई ओपिनियन, ये डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट पैराग्राफ्स, हर बच्चे का अलग अलग है। ठीक है जी, तो बस आई एम श्योर कि ये जो है ना सीए इज वेरी गुड प्रोफेशन बिकॉज सीए इज स्लाइटली टफ देन अदर 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, बट बिसाइड दिस ओनली हार्ड वर्क इज नॉट इनफ, रादर योर पेरेंट्स प्रेयर आर मोर इम्पोर्टेंट। उसने कहा जी घर वालों के साथ भी बना के रखनी है, खासतौर पर अपने पेरेंट्स के साथ। एक बच्चे ने कहा इफ यू आर ए मेडिकल स्टूडेंट एंड थिंकिंग टू ज्वाइन सीए फील्ड देन यू हैव टू लर्न टू थिंग्स। उसने कहा दो चीजें सोच लो, यू हैव टू बी हार्ड वर्क एंड नेवर एवर डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। देखा बच्चों के अंदर जो है वो कितनी रिस्पेक्ट का एलिमेंट आ जाता है। एक बच्चा कह रहा है दुआएं करो, पेरेंट्स की दुआएं लो, तो ये अच्छा प्रोफेशन है यार, ये आपको पेरेंट्स की इज्जत करना भी सिखाता है। तो एक ये इस बच्चे ने कहा कि आपको जो है ना वो एमबीबीएस करना चाहिए, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड है एमबीबीएस में, तो फिर सीए में आएंगे तो सारी जिंदगी आपके जहन में ये रहेगा कि यार वही करना चाहिए था। तो अगर आपका प्रोफेशन है, अगर आपने पहले से जहन बनाया हुआ है, तो आप वो करें, अदरवाइज सीए जो है वो आपके लिए बड़ी जबरदस्त जो है वो क्वालिफिकेशन है। एक बच्चे ने कहा सी इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क। ठीक है जी, आपने हार्ड वर्क करना है, आपने रिसर्च करें, और उसके बाद जो है वो, ये बड़ा लंबा सा मैसेज है, पढ़ के तो नहीं सुनाऊंगा, आप भी बोर हो जाएंगे, लेकिन ये बहरहाल ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ स्लाइड शेयर कर दी जाएगी, तो आप इन स्लाइड्स को खुद से पढ़ सकते हैं, इन बच्चों के कमेंट्स। इट्स वे बेटर टू ऑप्ट फॉर सीए एंड इट्स मोर रिवार्डिंग गिविंग गिवन प्रोफेशन देन एमबीबीएस, दो इट रिक्वायर्स मोर एफर्ट एंड डेडिकेशन देन एनी अदर प्रोफेशन। उसने कहा जी कि ज्यादा रिवार्डिंग है अगर आप सीए ज्वाइन करते हैं, तो इफ यू ज्वाइन सीए आफ्टर फेसिंग फेलियर इन एमडी कैट देन प्लीज लीव योर फियर्स। अपने डर को जो है वो खत्म कर दो, डर के आगे जीत है, स्टिंग पियो। ठीक है, और डिप्रेशन ऑफ रिजेक्शन एंड बिफोर ज्वाइनिंग दिस फील्ड बिकॉज इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क मोर देन इंटेलिजेंस। ये वो बात है जो मैं आपको बता रहा था, हार्ड वर्क चाहिए, इंटेलिजेंस जो है वो सेकेंडरी है। ये ना सोचिएगा कि इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, इंटेलिजेंस भी चाहिए, लेकिन हार्ड वर्किंग जो है वो होना चाहिए, और हार्ड वर्क जो है वो इंटेलिजेंस की कमी को पूरा कर देती है, लेकिन इंटेलिजेंस जो है वो हार्ड वर्किंग की कमी को पूरा नहीं करती। ठीक है, इसलिए आपको ये चीज़ समझनी होगी। ठीक है जी, इट डज नॉट मैटर मैटर वेदर यू आर ए प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट, द थिंग्स ओनली मैटर इज दैट सीए इज योर हार्ड वर्क एंड गुड लक। उसने कहा गुड लक आपको जो है ना वो सीए के अंदर। ठीक है जी, इट्स ओनली हार्ड इन अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स एंड दोज विद न्यूमेरिक प्रॉब्लम, ईजी क्यूएम आईटीए एफएआर सीएमए, अदरवाइज द थ्योरी सब्जेक्ट्स आर जस्ट क्रैमिंग एंड विच मेडिकल स्टूडेंट्स कैन डू वेल। ओके जी, उसने कहा कि ये 3 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, बाकी में आप बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बड़े मजे मजे के कमेंट्स हैं, तो कुछ बच्चों ने तो बहुत ज्यादा लिखा है, तो मैंने जो है वो आपको सारा यहाँ पे लिख कर दिया है, इसलिए लिख कर दिया है कि आप लोगों के जो क्वेश्चन है उनको डिटेल से डिस्कस किया जा सके।